नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग थोड़ा पावर क्राइसिस की बात कर लें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रोज़ एक खतरा है। और आप लोगों ने भी मार्क किया होगा कि पिछले कुछ दिनों में हिंदुस्तान के दूर दराज इलाके में सब जगह कुछ ना कुछ एक पावर की थोड़ी बहुत ऊंची क्राइसिस चली रही है। अच्छा, होता क्या है कि गाँव के इलाके में इतनी देर पावर कट रहता है कि वो पता नहीं लगता है, लेकिन पावर की समस्या है। पहले थोड़ा इस पावर क्राइसिस पर आने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लीजिए कि ये क्या हो रहा है। हिंदुस्तान की जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ पावर जनरेशन है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात मैं कर रहा हूँ, वो 382 मेगावाट इज दी टोटल कैपेसिटी ऑफ टू जनरेट पावर इन इंडिया। ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। अब इसके मोटे तौर पे दो हिस्से होते हैं। एक होता है थर्मल, जो कोल, गैस और डीजल के माध्यम से जो बिजली पैदा की जाती है, और दूसरा होता है रिन्यूएबल, न्यूक्लियर, हाइड्रो, ये सब। तो पहले ये समझ लीजिए कि जो थर्मल का शेयर है वो करीब 234,728 मेगावाट है, 234,728 मेगावाट। उसमें मोटे तौर पे कोल का, मोटा मैं ये सब अंदाज बता रहा हूँ, कोल इज अराउंड 205 लाख मेगावाट। नो, अब ये आप, ये तो आपको कोल समझ में आ गया, बाकी गैस और डीजल है। उसी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो कौन कौन सी होती हैं, वो होती है सोलर, विंड, बायोमास और वाटर एनर्जी। जो टोटल एनर्जी है, फिर से मैं वापस जा रहा हूँ, टोटल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी 382, उस इंस्टॉल कैपेसिटी का करीब 54% सिर्फ कोयले से है, करीब 54% ये इंस्टॉल कैपेसिटी है। लेकिन एक्चुअली में जो टोटल पावर इस समय हिंदुस्तान में बन रही है उसका 70% जो जनरेट हो रहा है वो कोयला दे रहा है। तो इंस्टॉल कैपेसिटी अलग, जनरेशन अलग। अब रिन्यूएबल हमारे यहाँ कितनी इंस्टॉल कैपेसिटी है, जो मैंने आपको बताया उन चार सोर्सेस से, वो करीब 24% है। उसके बाद आती है हाइड्रो, 12.21% करीब है, ये तीसरे नंबर पे है। तो ये तो एक जनरल मैंने आपको सीन दे दिया कि हिंदुस्तान की इंस्टॉल कैपेसिटी। अब कोयला समझ लीजिए, कोयला से जो कोयले के बेस जो थर्मल पावर प्लांट हैं वो मोटे तौर पे 204-205 लाख मेगावाट हैं, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो पावर प्लांट्स हैं जो कोयला बेस्ड हैं वो करीब 30% है, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में करीब 33% है और प्राइवेट करीब 37% है। ये फिगर्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिर आपको पूरी बात समझने में थोड़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अभी क्या हुआ, अभी एकदम से पावर क्राइसिस, ये लगा कि पावर क्राइसिस आ रही है। उसका कारण क्या था, उसका दो कारण थे। एक जो सबसे बड़ा कारण ये था कि आप जब कोरोना क्राइसिस चल रही थी, कोरोना क्राइसिस में पावर कंजम्पशन कम था, सारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही थी, लेकिन एकदम से ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हैं, जो इंडस्ट्री हैं, वो फिर से चालू हो गई हैं और इकॉनमी रिकवर कर रही है। और अगस्त 2021 में हमने 124 बिलियन यूनिट बिजली की खपत हुई है हमारी, अगेंस्ट 2019 के 106 बिलियन यूनिट के। तो एक तो ये बोल रहे हैं, दूसरा क्या है कि कोयले की क्राइसिस क्यों हुई। हिंदुस्तान का जो कोयला है उसमें ऐश कंटेंट ज़्यादा होता है, तो उसको ब्लेंड करके लिए, उसको जो बेस्ट, जिस ढंग से उससे ताप मिले और हमारे पावर प्लांट्स बेटर चलें, उसके लिए हम उसमें इंटरनेशनल कोयला जिसका लो ऐश होता है उसको ला के मिक्स करके, ब्लेंड करके उसको जलाते हैं। अभी क्या हुआ कि एकदम से इंटरनेशनल कोल प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, बहुत भाग गए हैं, मतलब दुगने से ज़्यादा हो गए हैं। उसका एक बड़ा कारण यह है कि चाइना का प्रोडक्शन एकदम से इफेक्ट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल, उसमें तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, वो आपके हाथ से, ऐसी चीज़ें हैं जो आपके हाथ से बाहर हैं, तो वो प्राइस बढ़ गया है। एक और चीज़ हुई है कि अप्रैल, मई, जून, इन महीनों में थोड़ा ज़्यादा स्टॉक करके रखा जाता था क्योंकि उसके बाद बारिश के महीने आते थे। इस साल वो स्टॉक कम अक्यूमुलेट किया गया है। वो मैं आगे आऊँगा और मैं सिलसिलेवार समझाऊँगा कि उसके क्या कारण थे, कोल इंडिया क्यों कम स्टॉक अक्यूमुलेट की, इत्यादि इत्यादि। एक और चीज़ हुई कि अभी सितंबर में आप सबने एक चीज़ मार्क की होगी, सितंबर में बारिश बहुत हुई जो अनयूजुअल था, उसकी वजह से भी कुछ लोग कह रहे हैं कि एकदम से कोल स्टॉक में थोड़ी ऊँच नीच आई है। अब क्या हो रहा है, जब कोयला नहीं आ रहा है तो जनरली क्या होता है कि किसी भी कोल प्लांट में
15 से 30 दिन का स्टॉक होना चाहिए। ये एक बेसिक नॉर्म्स है। अगर जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड रहा हो उसको पता है कि इतने दिन का रॉ मटेरियल, एक तरह से उसका रॉ मटेरियल तो कोयला है, वो रहना चाहिए। अभी कुछ जगह 4 दिन का है और कुछ जगह 1-1 दिन का भी है। वो एक खींचतान चल रही है सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच की। और इसकी वजह से देखिए, जो बीजेपी की सरकार है वो तो छू नहीं कर सकती है, क्योंकि वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार बैठी हुई है और वो बीजेपी ही नहीं है, वहाँ मोदी जी का कंट्रोल है। अगर वो कोई चूं करेगा तो फिर वो ठीक नहीं होगा। तो इसलिए बीजेपी रूल स्टेट से आपको असली क्या स्थिति वो नहीं पता लगेगी। लेकिन राजस्थान, पंजाब और दिल्ली ने कहा है कि हमारे यहाँ पोटेंशियल ब्लैकआउट हो सकता है। और राजस्थान, पंजाब, बिहार ने तो ऑलरेडी लोड शेडिंग, जो लोड बिजली कटौती करना शुरू भी कर दिया है। अब इन सब के पीछे बहुत हाई तौबा मच रही है, लोग अलग अलग तरह के वादे कर रहे हैं, कहीं कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, कोई कह रहा है नहीं दिक्कत है। इस दौरान भारत के जो कोयला सचिव थे, जो कोयला पूर्व कोल सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी का एक कल NDTV पे उनका फोन ऑन आया है। मैं फिर से डिस्क्लेमर कर दूं, कई जगह लोग कहते हैं, मैं डिस्क्लेमर इसलिए कर देता हूं कि कोई और कहे कि नहीं नहीं ये वो। अनिल स्वरूप मेरे स्कूल के 1 साल सीनियर थे और मेरे ख्याल में उस 74 बैच के वो और राहुल टंडन जी दो सबसे जहीन पढ़ने में, मतलब ये लोग बहुत ही अच्छे थे पढ़ने में। अनिल स्वरूप साहब IAS हो गए, कोल सेक्रेटरी हुए, और उन्होंने कल एक बात NDTV से उन्होंने एक फ़ोन ऑन किया है। मैं भी आने वाले समय में कोशिश करूंगा कि अगर अनिल स्वरूप साहब से बात हो जाए और मैं आपको भी उनसे उनकी बात करा सकूं। लेकिन बेस्ड ऑन दैट कन्वर्सेशन विच ही डिड इन NDTV, मैं आपको इसकी क्राइसिस समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत स्पष्ट कम शब्दों में 3-4 मिनट में पूरी बात समझा दी है। पहली चीज़ क्या है कि सरकार का ये कहना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ये गलत है। उनका शॉर्टेज है, विच इज़ अ रियलिटी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनका कहना है कि 2014 में भी ये शॉर्टेज हुई थी जब ये कोल सेक्रेटरी थे, उस समय इस क्राइसिस को मैनेज किया गया था। 2014-15-16 में उन्होंने कहा इस क्राइसिस को मैनेज किया गया था। उस समय एक बार भी ऐसा नहीं हुआ था, उन्होंने कहा था उस शॉर्टेज के समय, जब कोई पावर प्लांट क्रिटिकल स्टॉक लेवल पर पहुंच गया हो। इस समय करीब काफ़ी प्लांट, 15-16 प्लांट इस तरह की बात हो रही जो क्रिटिकल स्टॉक लेवल पर कर रहे हैं, जहां पे ये हो रहा है कि स्टॉक न कोयला न रहने से वो प्लांट बंद हो सकते हैं, वो थर्मल प्लांट। दूसरा उनका कहना था कि हम कहां गलत हुए, ये ज़रा सोचने की समझने की ज़रूरत है। 2017 में हमारी टोटल कोयले की उत्पादन जो क्षमता थी, जो कैपेसिटी थी, वो 600 मिलियन टन थी। उनके अनुसार पिछले 3-4 साल में वो स्टैगनेट कर रही है, उसमें वो जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया नहीं गया है। बढ़ाया क्यों नहीं गया, उसके कई से कारण हैं। एक कारण वो HR का कह रहे हैं, HR का एक बड़ा कारण ये कह रहे हैं, जो अभी भी आपने सुना होगा, आपने पेपर में भी पढ़ा होगा, 2017 में एक CMD साहब रिटायर हुए और उसके बाद 1 साल तक कोई CMD नहीं आया। अभी भी बहुत से जो मेजर कोयले में क्या है, ईस्टर्न कोल्ड फील्ड, वेस्टर्न कोल्ड फील्ड, सेंट्रल कोल्ड फील्ड, इस तरह से उनके अलग अलग कोल इंडिया के नीचे अलग अलग ये कंपनीज होती हैं। कई कोल कंपनी, कोल इंडिया की कई कंपनीज में मैनेजिंग डायरेक्टर और CMD नहीं है। ये भी एक इशू है जो बेसिकली गवर्नेंस का इशू है, क्योंकि आप क्यों नहीं किए हैं, आपने क्यों अपॉइंटमेंट नहीं किया है। और जो मैं बार बार कहता हूँ, देखिए इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, अगर आप केवल चुनाव और केवल चुनाव करते रहेंगे तो आपके जो सरकार के रूटीन गवर्नेंस के मैटर हैं वो इफेक्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आप बजाय दिल्ली में बैठ के अपॉइंटमेंट को फाइनल करने के आप बंगाल में दीदी और दीदी कर रहे हैं। आप बजाय, मतलब आप ये हरदम चुनाव के चक्कर में लगे हुए हैं। तो आपको अगर गवर्नेंस करनी है, आप सरकार चला रहे हैं, तो आपका अपॉइंटमेंट 1-1, 2-2 साल तक लोग अपने पद पे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने, आपने भी हाल में सुना होगा कितना डाटा है, कि जब उसने कहा है कि इतनी बॉडीज, ह्यूमन राइट्स कमीशन से लेके बहुत से ऐसे जो कमीशन्स और वो हैं, वहाँ पे आपने जजी अपॉइंट नहीं किए हैं, 2-2 साल 1-1 साल से खाली पद पड़े हुए हैं। तो ये प्राइमरली जो अनिल स्वरूप साहब भी कह रहे हैं, ये गवर्नेंस का इशू है, और जिसकी पूरी और पूरी जिम्मेदारी सरकार की है, इसमें कहीं कोई और जिम्मेदार नहीं हो सकता है। दूसरा एक वो कह रहे हैं कि कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है। इसका एक बड़ा कारण वही कह रहे हैं कि जब 2017 की बात ये कर रहे हैं, 2016 की बात कर रहे हैं, करीब 35,000 करोड़ का रिजर्व था, 35,000 करोड़ का। अब वो आपने डिविडेंड बांट दिया, उसको आपने इधर उधर डाइवर्ट कर दिया, जिसका जो रिजर्व के, ये इसलिए रखा गया था वो रिजर्व कि इससे एक्सपेंशन होगा, आपने एक्सपेंशन उससे नहीं लगाया। आपने जो
कोल इंडिया के जो मैनेजर्स थे, जो माइंस मैनेजर थे, जिनका काम था प्रोडक्शन बढ़ाना, नया एक्सपेंशन करना, नई माइंस खोलना, उनको आपने कहाँ लगा दिया? स्वच्छ भारत में। मतलब स्वच्छ भारत अभियान, और वो स्वच्छ भारत कितना हुआ एंड इज सेलिंग, इंस्टेड ऑफ माइनिंग कोल दे वेयर क्लीनिंग शिट, दैट इज द टर्म विच ही हैज यूज्ड। तो आप किससे क्या काम करवा रहे हैं? माइनिंग इंजीनियर से आप स्वच्छता भारत करवा रहे थे, क्योंकि आपको वाहवाही लूटनी थी, ये भी है। फिर एक काम और हुआ कि ये जो पैसा कोल इंडिया के पास था, इसको फर्टिलाइजर प्लांट्स में आपने डाइवर्ट कर दिया। कोल इंडिया से कहा कि नहीं, फर्टिलाइजर प्लांट में तुम इन्वेस्ट करो। कोल इंडिया के अपने प्रोजेक्ट्स छोड़ के, अपना एक्सपेंशन रोक के आप उसको फर्टिलाइजर प्लांट में ले गए। तो नेचुरली जो कोल इंडिया जो बेसिक कंपनी है, वो सफ़र तो करेगी करेगी। और अभी एक दिक्कत क्या हो रही है कि अभी जो ज़्यादातर माइंस हैं वो ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट में है। अब ऑपोजिशन के साथ आपने इतना झगड़ा, आप कोई विपक्ष तो आप मानते नहीं हैं, आप तो ऑपोजिशन को अपना विरोधी, दुश्मन, राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, मालूम नहीं क्या क्या कहते हैं। तो आप जब उसको देश का हिस्सा, अपने साथ का हिस्सा ही नहीं मानते हैं, आप ये मानते हैं कि वो आपके दुश्मन है, वो राष्ट्र के दुश्मन है, तो आपके रिलेशनशिप ख़राब हैं। तो इसलिए जो भी माइंस आपके ऑपोजिशन स्टेट में है, उनसे आपको नॉर्मली जो सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग नहीं, क्योंकि आप इतना उसके साथ गाली गलौज करते रहते हैं। अनिल सरोज साहब ये भी बता रहे हैं कि जब वो कोल सेक्रेटरी थे, तो बजाय दिल्ली तलब करने के, वो अपनी सारी मीटिंग, उन्होंने कहा मैंने अपनी सारी मीटिंग एज कोल सेक्रेटरी किसी ना किसी स्टेट में जाके करता था, जिससे स्टेट के साथ मेरा तालमेल अच्छा रहता था। अब ही सेज कि इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि सेंटर और स्टेट के बीच की खींचतान है। देखिए, ये फेडरल स्ट्रक्चर को छोटी छोटी चीज़ें की जा रही हैं, जैसे बीएसएफ का कर दिया अभी, भाई बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर सीमा के अंदर था, उसको आपने 50 कर दिया, इसलिए कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट, आप सेंटर का ज़्यादा दखलंदाजी चाहते हैं स्टेट में। तो अगर ये सब होगा तो कहीं ना कहीं वो टकराव तो होगा ही, वो फेडरल स्ट्रक्चर पे कहीं ना कहीं होगा दिक्कत। एक बड़ी बात और उन्होंने बताई कि जो डिस्कॉम जितनी कंपनीज हैं, वो करीब 1,00,000 करोड़ रुपया उनका बकाया है जनरेशन, जो जनरेट कर रही हैं कंपनीज, और जो जनरेट बिजली कर रही हैं कंपनीज, उनको करीब 20,000 करोड़ रुपया कोल इंडिया को देना है। अब ये साइकिल है, कुछ डिस्कॉम कंपनीज जो हैं वो आप ने प्राइवेट हाथों में किसको किसको दे दिया है, उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे, किसी और दिन सही। अब जब आप 20,000 करोड़ रुपए कोल इंडिया को नहीं दे रहे हैं, तो कोल इंडिया में एक्सपेंशन, नई माइंस ठीक से वो करना दिक्कत हो रही है। तो ये सारी चीज़ें मिलके इस समय देश की जो कोल क्राइसिस रिजल्टिंग इनटू पावर क्राइसिस, ये कहीं ना कहीं सरकार का किया हुआ है। इसका जो अनिल स्वरूप साहब जो इसका इलाज कहते हैं, वो यही कहते हैं कि सेंटर और स्टेट को मिल बैठ के इस समस्या को साथ में बातचीत करके सुलझाना चाहिए। लेकिन हमारी दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ जो हमारा सेंटर है, वो जरा मिल बैठ के बराबरी के लेवल पे बात करना उसको समझ ही में नहीं आता ही। इन हिज स्कीम ऑफ थिंग्स, सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अपने किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ बैठ के हम बातचीत करें, इस माइंडसेट ही में नहीं है। अच्छा, चुनाव अब अलग से आने वाले हैं, तो हरदम चुनाव चुनाव चुनाव, तो चुनाव इज़ अ बिगर प्रायोरिटी। आने वाले समय में देखना है कि ये जो पावर क्राइसिस और ये हुआ, ये ईश्वर करे, जैसा कहा जा रहा है कि अब थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, कोल स्टॉक्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं, बिजली की खपत, चूंकि एसी चलना कम हो रहे हैं, जाड़ा आ रही है, तो उस वजह से भी थोड़ा शायद जो पावर कंजम्पशन का लोड है वो भी शायद थोड़ा कम हो, तो उससे ईज ऑफ होगा। उम्मीद है कि हम इस क्राइसिस को पार कर जाएंगे, लेकिन जैसा अनिल स्वरूप साहब ने कहा है, दिस इज़ अ वेकअप कॉल, सरकार को जग के बाकी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक साथ, हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिला के देश को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ना कि विपक्षी दल, दुश्मन दल, राष्ट्रद्रोही दल कह के आपस का जो तालमेल है उसको ख़त्म करने के। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें, तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।